सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह सुबह का टाइम है, हम फिर उठ चुके हैं। आज फिर एक गाड़ी आई हुई है, चले आपको लेकर चलते हैं गाड़ी के पास। सुबह का टाइम माशाल्लाह। सब कुछ बंद पड़ा, अभी सुबह सुबह टाइम गाड़ी उतारने आए हैं। देखते हैं गाड़ी कहाँ पे है। देखिए जी माशाल्लाह गाड़ी पहुँच चुकी है हमारे स्टॉप पर। अभी ऊपर ऊपर वाले जो बोरे हैं ना, ये सारे हम उतारेंगे, उसके बाद फिर आगे दुकान के पास ले जाएंगे, क्योंकि इसकी माशाल्लाह काफ़ी लेंथ है, तो वो जो उतारे हैं वो फिर फंसेंगे आगे आगे ना। इससे यहाँ पे हम बोरे उतार के अपनी गाड़ी में रखेंगे और साथ फिर ले जाएंगे गोदाम के अंदर। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें आया है खान पापड़, खान पापड़ जे पी फूड्स का। देखिए जी माशाल्लाह हमने कुछ बोरे यहाँ पे, कुछ यहाँ पे उतार के अपनी गाड़ी भी रख दिए हैं, लोड कर दिए गाड़ी पे। वो देखें कुछ बोरे वहाँ पे बेच के काफ़ी जो ऊंचाई से कम होगी गाड़ी की, हमने कुछ वहाँ पे उतार दिए हैं और कुछ उतारे हैं अपने चाचू की दुकान पे, साथ साथ चांद की दुकान पे और हरामे की दुकान पे। वो देखें के दो बोरे हमने उतार दिए यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी हमारी शॉप है, यहाँ से हमारे सामान लेते होते हैं भाई लोग। उनकी शॉप से निकाल के अब जा रहे हैं दुकान की तरफ, वहाँ से गाड़ी लोड करेंगे, उनकी गाड़ी अनलोड करेंगे। हाँ माशाल्लाह दोनों गाड़ी खड़ी हो गई हैं माशाल्लाह। जो सुबह के टाइम ठंडी हवाएं चलती है ना माशाल्लाह, सुबह सुबह टाइम काम करने का तो पता नहीं लगता ना। ये माशाल्लाह हमने माल उतार दिया सारा। ये उस्ताद जी कोटिंग कर रहे हैं। ये शान मल्होत्रा साहब भी आ चुके हैं हमारे, शान मल्होत्रा साहब। ये चेक करें जी गाइस, गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है। ये देखें कुछ गाड़ी में लगे, कहीं गाड़ी गुड़ी माशाल्लाह उतार दी हमने। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, सुबह सुबह का टाइम है, अभी दुकानें कोई भी नहीं खुली। आज पीर है, पीर वाले दिन हमारी सजाई जाती है 13 सोलंग पर, बतालिया डे और बहावलपुर। वो ज़्यादातर मैं ही लेके आता हूँ माशाल्लाह। कुछ भी पास आ रही है तो स्टॉक भी इकट्ठा करना है और सामान भी बेचना है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए माशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं सप्लाई पे, बहावलपुर जा रहे हैं सप्लाई पे। आज हम जाएंगे बतालिया अड्डे पहले, फिर 1300 पर, फिर उसके बाद जाएंगे भावलपुर, वहाँ से माल उठाएंगे पकीज़ा की फैक्ट्री से, फिर आएंगे घर। आपको भी लेकर चलते हैं अपने साथ चले। देखिए गाइस माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है, ये दरबार है हमारे भावलपुर रोड पे आता है। ये देखिए गाइस हम 13000 स्टॉप पर पहुँच चुके हैं। अभी मैं सहेल भाई का माल उतार हूँ, बोला अभी हम मोल लेते हैं माल। क्या करें माशाल्लाह हमने सारा माल उतार दिया है। ये देखें अब यहाँ से मुंह धोते हैं नलके से। ये हम आए हुए आसफ भाई के पास माल उतारने, उनका माल उतर गया। कहीं भी चाह करें माशाल्लाह कितनी ग्रीनी माशाल्लाह है। और देखें जानवर भी है यहाँ पे। ये देखें जी यहाँ से जब हम दो बोरे उठाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है जाना। ये देखें इतनी पतली सी जगह है। ये देखें ऐसे ही लगता है, बस हल्का सा पाँव स्लिप हुआ तो गए अंदर। अभी ये जंगला बंद करते हैं गाड़ी का। वहाँ से नलके से पानी पी के मैं सीधे फिर यहाँ पे आ गया था आसफ भाई के पास। अभी यहाँ पर यहाँ से आगे फिर पीते हैं पानी, पीते क्या जाए वो सॉरी मुँह धोते हैं। ये देखिए जी हम फिर आ चुके हैं 13000 अड्डे पे। अभी यहाँ से सब के पास से वो पर्चियाँ कलेक्ट करनी है और फिर जाएंगे कल की तरफ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, अब रोज़ा कम लग रहा है।
ये देख गाइस, हम जो पकीज़ा की फैक्ट्री पे आ चुके हैं। अभी हम गाड़ी में पापड़ लोड करेंगे। देखें वो ताजी खड़े हैं साइड पे। अभी पापड़ लोड करके फिर हम जाएंगे घर की तरफ, देखते हैं रास्ते में ही इफ्तार हो जाएगा हमारा। ये देखें जी माशाल्लाह पापड़ लोड कर रहे हैं उस्ताद जी। उस्ताद जी हाथ ला दो। ये देखें बस ये पापड़ लोड करके चलते हैं। 10-15 मिनट आ गए। वो देखें वो जा रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह अफ्तारी का टाइम हो गया है। उस्ताद गए हैं पीछे पर समोसे पकौड़े लेने के लिए। फिर अफ्तारी करते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। और नमाज का टाइम भी हो गया, नमाज पढ़ते हैं और फिर रवाना होते हैं घर की तरफ। आपको मिलते हैं घर जाके इंशाल्लाह। अच्छा, मैं घर पहुँच चुका था तो अभी मैंने गाड़ी खड़ी की है। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह कल। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।